आपने भूतिया घर के बारे में सुना होगा, भूतिया महल के बारे में सुना होगा, भूतिया हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भूतिया हाईवे के बारे में। ये हाईवे इतना खतरनाक है कि यहाँ पर जो जाता है वो सही सलामत वापस नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया के करक हाईवे के बारे में। इस हाईवे पर इतनी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी हैं, ऐसे भूतिया हादसे हो चुके हैं जिनकी वजह से ये हाईवे पूरी दुनिया में बदनाम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस हाईवे की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं मलेशिया के भूतिया हाईवे पर आज के फाड़ू वीडियो में। इस हाईवे को 1970 में बनाया गया था, लेकिन इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत अजीबोगरीब एक्सीडेंट होने लगे। और जब पुलिस द्वारा जांच की जाती तो इन ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल घटना ही होती थी। कुछ गाड़ियों का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता था, और जब ड्राइवर से पूछताछ की जाती थी तब ड्राइवर जो बताता था वो सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। ड्राइवर के अकॉर्डिंग जब वो रात में गाड़ी चला रहा था तब अचानक से इस हाईवे पर उसके सामने एक पीले रंग की वॉक्सवैगन की पुरानी सी कार आ गई। ये कार अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कैसे आ गई उसे समझ नहीं आया, और उसी पीले रंग की कार से कहीं टक्कर ना हो जाए इस डर से ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम से घुमा दिया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और ये एक्सीडेंट हो गया। और ये केवल ऐसी एक घटना नहीं है, इस हाईवे पर इस पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से 20 से ज्यादा गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। और जब पुलिस द्वारा ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तो सभी यही कहानी बताते हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी के सामने पीले रंग की एक वॉक्सवैगन कार आ गई। देखो, हो सकता है ये सारी कहानियां आपने और भी किसी वीडियो में सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भी तो हो सकता है कि जब एक्सीडेंट होता है और जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है वो अपनी गलती पुलिस को नहीं बताना चाहता, और उसी वजह से ये इस पूरे एक्सीडेंट का रीजन इस पीले रंग की गाड़ी को बता देता है। क्योंकि इस हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हाईवे बदनाम है, और अगर पुलिस को हम ये पीले रंग की वॉक्सवैगन वाली गाड़ी की कहानी सुनाएंगे तो हो सकता है पुलिस हमारी बात पर यकीन कर ले। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे एक्सीडेंट के पीछे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती रही हो, और उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा इल्जाम इस पीले रंग की हॉन्टेड गाड़ी के ऊपर डाल दिया। लेकिन अब सोचने वाली बात ये भी आती है कि अगर ऐसी कोई पीले रंग की हॉन्टेड गाड़ी इस हाईवे पर घूमती है जिसकी वजह से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो किसी न किसी की कार में लगे कैमरे ने तो उस गाड़ी का फोटो खींचा होगा या वीडियो बनाया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितने एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से सारे के सारे ड्राइवर झूठ ही बोल रहे हों। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये उसी गाड़ी का एक्चुअल वीडियो है जो उस पीली गाड़ी के पीछे चलने वाली कार के डैश कैम ने रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो इस कार के एक्सीडेंट होने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गौरव भाई, तुम तो हमें हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताने वाले थे, यहाँ तो तुम एक हॉन्टेड कार के बारे में बताने लग गए। देखो, ये हाईवे इतना रहस्यमय है कि यहाँ पर इस येलो कलर की कार के अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पीले कलर की गाड़ी है इसकी बैक स्टोरी क्या है, आखिर ये कार हॉन्टेड हुई कैसे। बात है 1956 की, जब ये हाईवे नहीं बना था। उस समय एक आदमी था जिसके पास ये पीले कलर की कार थी, और उसकी पत्नी उसे रिलेशनशिप में धोखा दे रही थी। एक दिन उस आदमी की पत्नी ने उसे ऊपर पहुंचा दिया, और उस आदमी की जो लाश थी उसे इसी पीले कलर की कार में रखकर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस औरत को पकड़ लिया गया, और जिस जगह पर उस औरत ने ये कार छोड़ी थी ये वही जगह थी जहां पर 1970 के बाद करक हाईवे बना। और यही रीजन है कि इस हाईवे पर ये पीले रंग की हॉन्टेड कार लोगों को दिखाई देती है, और इस कार की वजह से कई बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। अब आप बोलोगे, गौरव भाई ठीक है, हो सकता है सभी लोग झूठ बोल रहे हो, लोगों ने इस पीले रंग की कार को लेकर एक झूठी कहानी बनाई हो, ना ये हाईवे हॉन्टेड है और ना ही ऐसी कोई कार एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसे पुलिस ने अपनी आंखों से देखा था। और इस घटना के अकॉर्डिंग ये जो करक हाईवे है यहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर रहता है, एक ऐसा शैतान रहता है जो इंसानों को खा जाता है। और इस शैतान ने एक फैमिली को अपना शिकार बनाया था, और ये नजारा पुलिस ने अपनी आंखों से देखा था, तभी तो सभी मलेशिया वाले इस हाईवे पर जाने से डरते हैं। ये घटना है 1999 की, एक छोटा सा परिवार जिसमें एक पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था, ये सब कार में करक हाईवे के थ्रू कहीं जा रहे थे। तभी अचानक बीच रास्ते में वो कार खराब हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब इस हाईवे से कोई नहीं गुजरता तो कार चलाने वाले उस आदमी को लगता है कि अब मदद लेने के लिए गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा। चूंकि ये हाईवे काफी ज्यादा बदनाम है इसीलिए ज्यादातर लोग रात के समय इस
हाईवे से नहीं गुजरते। तो ये आदमी अपनी कार से बाहर निकलता है और अपनी बीवी को बोलता है कि तुम गाड़ी से बाहर मत आना, मैं किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। काफी देर हो जाती है, जब वो आदमी लौट कर नहीं आता तो उस औरत को चिंता होने लगती है। तभी अचानक से एक ऐसी आवाज आती है जैसे किसी ने कोई बहुत भारी सी चीज उनकी कार के ऊपर फेंक दी हो। वो औरत डर तो जाती है लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं आती, और ये उसने बहुत समझदारी का काम किया। करीब आधे घंटे वेट करने के बाद पुलिस की एक गाड़ी उस औरत को नजर आती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी उस औरत की गाड़ी के पास नहीं आती, दूर खड़ी रहती है। और वहां से पुलिस वाले उसको इशारा करके बाहर बुलाते हैं। जब वो औरत बाहर आती है और पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है, तब पुलिस वाले उसे कहते हैं कि जल्दी से हमारे पास आ जाओ और पीछे पलट कर मत देखना। लेकिन चूंकि उस औरत को काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसे अपने पति की भी चिंता हो रही थी, तो उसने पुलिस की बात को सुनने के बाद भी पीछे पलट कर देख लिया, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसकी कार के छत के ऊपर गिरी थी। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वो औरत बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले तुरंत आकर उसको संभाल लेते हैं, उसे और उसके बच्चे को सेफली हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस औरत ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो उस नजारे को देखते ही बेहोश हो गई? उस कार के ऊपर उसके पति की पड़ी हुई थी, जो इतनी खराब हालत में थी जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो यूट्यूब वाले मेरे इस वीडियो की वो हालत करेंगे जो उस आदमी की बॉडी की हालत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस हाईवे पर एक ऐसा शैतान रहता है जो यहाँ रात के समय रुकने वाले लोगों का शिकार करता है। ये सारी बातें सुनने में आपको किसी हॉरर मूवी की कहानी जैसी लग रही होंगी, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि इस दुनिया में एक ऐसा हाईवे मौजूद है जहाँ पर रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये जगह कितनी ज्यादा हॉन्टेड है और कितनी ज्यादा खतरनाक भी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको कभी मलेशिया जाने का मौका मिलता है या आप किसी काम से अगर मलेशिया जाते हो तो क्या आप इस हाईवे को एक बार विजिट करना चाहोगे, वो भी रात के समय। यार इस मामले में अपना इंडिया काफी बढ़िया है, यहाँ पर हर हाईवे पर, हर सड़क पर, हर 10-5 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई मंदिर जरूर मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई हाईवे का भूत आपके पीछे पड़ गया है तो आप मंदिर में जा सकते हो। एनीवे इंडिया के लोग तो इतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेते, उन्हें मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो हनुमान चालीसा पढ़कर ही अपना काम चला लेते हैं। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम पहली बार मेरे साथ किसी भूतिया सफर पर गए हो, यानी पहली बार मेरा वीडियो देखा है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार मैं जा रहा हूँ एक कड़क चाय पीने, तुम लोग भी अपना ध्यान रखो, चिल मारो, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। ऐसे भूतिया हादसे हो चुके हैं। इस हाईवे को 1970 में बनाया गया था। 1970 मतलब 1970, लेकिन एक्सीडेंट होने, लेकिन उस कार से टक्कर होने से, लेकिन ड्राइवर उस कार, क्या है, इसी जगह पर पीले रंग की एक फॉक्स वैगन में एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया, नहीं, क्योंकि ड्राइवर को मालूम है कि इस हाईवे पर इस तरीके की, क्योंकि इस हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप बोलोगे गौरव भाई ठीक है, ये तो मतलब नहीं,